इसी को चूज कर लिया फिर इसको हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनब गुरु। मैं आपकी जानवी मैम आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 9। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है बुलबुल। क्या नेम है बच्चा पार्टी? बुलबुल। इस बुक के, हिंदी बुक के, क्लास सेकंड के, रिमझिम बुक के हम प्रीवियस चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको एक बार डिटेल दे देती हूँ हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं। ओके, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था ऊंट चला, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 भालू ने खेली फुटबॉल, ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। ओके, चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान कौन, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 दोस्त की मदद, ये चैप्टर भी कवर हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 बहुत हुआ, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब। चैप्टर नंबर 8 तितली और कली, ये सारे ही चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको कौन सी प्लेलिस्ट ओपन करनी है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतनी सारी प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट ओपन करें? तो बच्चा पार्टी आपको सिंपली हिंदी क्लास 2024-25 वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है। उसमें इस सेशन के जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं हिंदी के, आपको सारे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कैसे आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है, कैसे आपको प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स ले चुकी हूँ ऑलरेडी, वो कहाँ से मिलेंगे? क्लियर हो गया? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है बुलबुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपनी बुक, नोटबुक, पेन पेंसिल निकाल लो। एक मिनट के अंदर हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, फटाफट निकाल लो अगर किसी ने अभी तक नहीं निकाली है बुक। ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे चैप्टर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है चैप्टर में? क्या लिखा है? लिखा है बुलबुल। क्या लिखा है? बुलबुल। ओके, तो आपको हेडिंग क्या डालनी है? चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। फटाफट ये हेडिंग डालो नोटबुक में। डाली? ओके, चलो अब रीडिंग करते हैं। देखो, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल क्या है? एक चिड़िया है, ठीक है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, बुलबुल को पहचानने का क्या है? एक सरल तरीका है, यदि तुमने कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ से देखो। क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि तुमने कभी बुलबुल देखी है और बुलबुल पहचानने का सरल तरीका क्या है? यदि तुमने कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। क्या करना है? अगर कोई चिड़िया आपको तेज आवाज में बात करती हुई बोलती हुई मिले तो आपको क्या करना है? उसकी पूंछ को देखना है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। क्या लिखा है यहाँ पे? अगर पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो वो क्या है? वह बुलबुल है। क्लियर? कैसे पहचानो कि बुलबुल को समझ आ गया? अब देखो, अब क्या लिखा है? जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। क्या लिखा है यहाँ पे? जब वो चिड़िया उड़े तो आपको क्या करना है? उसके पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। जो बुलबुल होती है उसके पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। देखो, आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये इसका सिरा कैसा है? व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो बुलबुल के पूंछ के सिरे का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद, ठीक है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका पूरा शरीर कैसा होता है? भूरा होता है। और जो उसका हेड होता है, सिर, उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग
काला होता है। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये क्या है, ये हमारी बुलबुल है। इसका पूंछ का सिरा कैसा है, व्हाइट है जैसा कि आपको बताया, ठीक है। और जो इसकी पूंछ होती है उसके नीचे वाला हिस्सा ये कैसा है, लाल है, दिख रहा है आपको। और इसके शरीर का रंग कैसा है, भूरा है। और इसका जो हेड है, सिर है, इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। तो आपको समझ आ गया कि किसी बुलबुल को कैसे पहचानोगे, कोई चिड़िया। वो अगर अभी आपको बहुत सारी चिड़िया है और आपसे बोला जाए कि बताओ इनमें से बुलबुल चिड़िया कौन सी है, तो आप कैसे पहचानोगे, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो आगे स्टार्ट करें आप। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आगे रीडिंग करते हैं। अब लिखा है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल कैसी आवाज में बोलती है, ऊंची आवाज, इट मीन्स तेज बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल को हम लोगों से क्या, कोई भी डर नहीं लगता। बुलबुल कैसी होती है, बिल्कुल निडर, ठीक है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, ठीक है। आपको एक बुलबुल ऐसी भी मिल सकती है जिसके सर पर क्या हो, काले रंग की एक कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं, ठीक है। सिपाही मतलब पता है, सोल्जर, तो वही बुलबुल कहते हैं जिसके सर पे क्या होता है, काली, ठीक है। अब क्या लिखा है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या करती है, पीपल के पेड़ पर या फिर बरगद के पेड़ पर क्या ढूंढ कर खाती है, कीड़े ढूंढ कर खाती है। बच्चा बाटी क्या ढूंढ कर खाती है, कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। वो कीड़े तो खाती ही है, लेकिन वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। क्लियर? अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। अब क्या लिखा हुआ है, जो अमरूद के बगीचे होते हैं या मटर के खेत होते हैं, वहां पर बुलबुल क्या करती है, काफी जोर से हमला करती है। क्लियर बच्चा लोग? अब देखो अब क्या लिखा है, अब लिखा है, वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पत्ती जड़ों, पतली जड़ों से बुनती है। अब बुलबुल है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, देखो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सब लोग, यहाँ पे पूछा है कि जो बुलबुल है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह अपना घोंसला सूखी हुई घास, कैसी घास, जो घास सूख चुकी होती है, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। कैसे बनाती है, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती, बुनती है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आगे रीडिंग करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, अगर बच्चा लोग किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, घोंसला अंदर से तो एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। जो घोंसला है, जो उस बुलबुल ने बनाया है, वो अंदर से कैसा दिखता है, एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। जैसे सुंदर कटोरा होता है ना, वैसे ही वो घोंसला भी दिखाई देता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, बुलबुल एक बार में दो से तीन अंडे देती है। क्लियर? कितने अंडे देती है बच्चा लोग, दो से तीन अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उसके अंडे कैसे होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अब क्या लिखा है यहाँ पे, वो बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, दो से तीन अंडे देती है। उनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लाइट पिंक शेड देखी है सब लोगों ने, वही लाइट पिंक शेड के उसके अंडे होते हैं। अगर तुम ना ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें क्या, कुछ लाल और कुछ भूरे, कुछ बैंगनी बिंदिया भी दिखाई देंगी उसके अंडों पे। कैसी, जैसे कि मान लो, देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ये आपका एग है, ठीक है।
ये किस कलर का है? ये लाइट पिंक शेड का है। इस पे लाल, बैंगनी और भूरे रंग की बिंदिया भी आपको दिखाई देंगी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को नहीं बता रहे हो तो। ठीक है, चलो अब देखो, अब आगे क्या लिखा है। ये छोड़ो, एक बार मैं आपको फिर से रीडिंग करके फटाफट से पूरा चैप्टर बता देती हूँ। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर है हमारा 9, जिसका नेम है बुलबुल। अब देखो फिर से एक बार मैं रीडिंग कर देती हूँ, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बुलबुल। बुलबुल क्या है? बुलबुल हमारे चैप्टर का नेम है। क्या है बच्चा लोग? बुलबुल हमारे चैप्टर का नेम है। ओके, तो देखो अब क्या लिखा है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल क्या है? एक पक्षी है। अगर आपने देखी है तो आप क्या बोलोगे? यस, हाँ मैंने बुलबुल देखी है। ठीक है, अगर आपने देखी है तो आप बोलोगे हाँ मैंने बुलबुल देखी है, और अगर नहीं देखी है तो क्या बोलोगे? नहीं मैंने बुलबुल नहीं देखी है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी, अगर कुछ भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दो। ओके, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप क्लास में रीडिंग भी करो खड़े होके, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आप एकदम स्मूथली रीडिंग कर पाओ। ओके, चलो अब क्या लिखा है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको अगर आपने देखी है तो लिखोगे हाँ, और नहीं देखी तो लिखोगे ना। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। बुलबुल को पहचानने का क्या है? एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर आप बुलबुल बुलबुल को आपने नहीं देखा है तो बुलबुल को आप कैसे पहचानोगे वो बताया गया है। कैसे पहचानोगे बुलबुल को? देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे पहचानोगे बुलबुल को। आपको क्या करना है, आपको अगर कोई चिड़िया, ठीक है, क्या लिखा है, अगर कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई दिखे तो आपको उसकी पूंछ देखनी है। क्या देखनी है? उसकी पूंछ देखनी है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो, देखो पूंछ होती है उसके उसके नीचे एक उसका बुलबुल का एक बॉडी पार्ट होता है, अगर वो वाला बॉडी पार्ट, पूंछ के नीचे वाला बॉडी पार्ट लाल हो तो समझ जाओ वह चिड़िया बुलबुल है। ठीक है, अगर वो वाला पार्ट, पूंछ के नीचे वाला पार्ट लाल हो तो समझ जाओ, क्या समझ जाओ, कि वह बुलबुल है। ठीक है, अब क्या लिखा है, जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। क्या लिखा है? जब वो उड़े तो उसकी पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। बुलबुल की जो पूंछ का, पूंछ के नीचे वाला सिरा जो होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है बच्चा लोग? सफेद होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, अब लिखा है उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका जो ओवरऑल शरीर होता है वो कैसा होता है? वो भूरा होता है, और उसका सिर होता है वो कैसा होता है? वो काला होता है। क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती, सॉरी, जब, एक मिनट, ये कुछ हैंग हो रहा है, सॉरी। अब क्या लिखा है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल जो है वो कैसी ऊंची आवाज में बोलती है, और उसको हम लोगों से, हम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कैसी बुलबुल आपको मिल सकती है? जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? पीपल और बरगद के पेड़ पे जो भी कीड़े उसे मिलते हैं, इंसेक्ट, वो खा लेती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। कीड़े तो वो खाती है, साथ में हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जी और फल, बुलबुल भी वो खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। तो जो अमरूद के बगीचे और मटर के खेत होते हैं उन पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती
करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल जो अपना घोंसला है वो कैसे बुनती है? सूखी हुई घास से और जो छोटे पौधों की जो पतली जड़ें होती है उनसे बुनती है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई डाउट है बच्चा लोग तो मेरे को प्लीज एक बार बता दो। मैं बार बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करें, आगे रीडिंग करें। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पे? घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। जो घोंसला है वो अंदर से कैसा दिखता है? एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक एक बार में दो या तीन अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? दो से तीन अंडे देती है। ओके, उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो बुलबुल है उसके अंडे कैसे होते हैं? लाइट पिंक शेड के होते हैं, हल्के गुलाबी। ओके, अब क्या लिखा है? तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। क्या लिखा है? अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे तो उनपे उन जो अंडे होते हैं लाइट पिंक शेड के, उनपे तुमको क्या दिखाई देगा? कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ओके, तो बच्चा पार्टी हमारा रीडिंग पोर्शन तो हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो फटाफट से नोटबुक में हेडिंग डाल लो, क्या लिखा है यहाँ पे? पहचानो। ओके, आप ये बुक में भी कर सकते हैं और चाहो तो नोटबुक में भी कर सकते हो। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सब तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा लोग? फटाफट से रीडिंग करो। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? रीड फास्ट। देखो जल्दी जल्दी पढ़ो। ओके, और जल्दी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब क्या लिखा है? पहचानो। क्या लिखा है बच्चा लोग? पहचानो। आपको क्या करना है? पहचानना है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे? पहचानो। ओके, अब लिखा है इसमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। आपको पहचानना है कि बुलबुल कौन सी है और उसके चित्र पर गोला लगाना है। तो बच्चा बाटी ये वाला ऑप्शन तो कैंसल हो जाएगा क्योंकि बुलबुल क्या है? बुलबुल एक चिड़िया है और ये क्या है? ये गिलहरी है। तो गिलहरी चिड़िया होती है नहीं, तो ये ऑप्शन क्रॉस। अब यहाँ पे दो पक्षी दिए हुए हैं, ठीक है? आपको इनमें से पहचानना है कि बुलबुल कौन सी है। तो बच्चा पार्टी बुलबुल के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था कि बुलबुल को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी जो बॉडी होती है, उसका शरीर भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। उसका सर कैसा होता है? काला होता है। और उसके पूंछ के नीचे वाला सिरा जो होता है वो कैसा होता है? वह लाल होता है, ठीक है? सिर कैसा होता है? काला होता है। शरीर कैसा होता है? भूरा होता है। और पूंछ के नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है? लाल होता है। तो बच्चा पार्टी इट मींस कौन सी वाली हमारी बुलबुल है? एक ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है? तो ये बची है और ये बची है। तो बच्चा पार्टी इसके पूंछ के नीचे तो कोई लाल सिरा है ही नहीं, ठीक है? और एक और क्या बताया था कि पूंछ का नीचीला भाग कैसा होता है? सफेद। इसका है? इसका सफेद है? नहीं है। इसके पूंछ के नीचे लाल है? नहीं है। इसका सर एकदम ब्लैक है? नहीं है। तो बच्चा पार्टी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? ये हमारी बुलबुल है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग? यहाँ पे हमको दिया है तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। ओके, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना। देखो क्या लिखेंगे? मैंने बुलबुल को पहचाना इसलिए क्योंकि क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्या दिया है?
सिपाही बुलबुल, क्या दिया है? सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के सिर पर, देखो पढ़ो क्या लिखा है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या क्वेश्चन पूछा है और हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ पे आपको दो पक्षियों के क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दो पक्षियों के चित्र दे रखे हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारा मुर्गा है और ये हमारी मोर है। तो यहाँ पे पक्षी क्या लिख देंगे, पहला हम लिख देंगे मुर्गा, दूसरा क्या लिख देंगे, मोर। ठीक है, मुर्गे मुर्गे की कलगी कैसी होती है, लाल। कैसी होती है, लाल, और मोर की नीली। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट डाउट हो तो प्लीज मेरे से एक बार पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चा लोग आ जाओ, नोट कर लिया ना सबने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्या दिया है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही बुलबुल की तरह उसके सिर पर भी कलगी होती है। ठीक है, और कलगी का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, किसी ने मेरे से पूछा, नहीं पूछा किसी ने भी मेरे से पूछा कि मैम कलगी क्या होता है, कलगी का मतलब होता है बच्चा पार्टी टोपी। क्या? टोपी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ आ गया, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, क्योंकि कलगी वाली बुलबुल मतलब टोपी वाली बुलबुल। तो बच्चा पार्टी, कलगी वाली बुलबुल के सिर पर कलगी होती है इसलिए, सिपाहियों की तरह कलगी होती है इसलिए उसे कलगी वाली बुलबुल कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई तीन बातें लिखो। क्या करनी है, कोई भी तीन बातें लिखनी है, जो जो बुलबुल के बारे में बताई गई उनमें से कोई भी तीन बातें लिख देनी है। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, बुलबुल की पूंछ नीचे वाली जगह लाल होती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बच्चा लोग, सेकंड पॉइंट लिखा है बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। फिर क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? आई
थिंक नहीं होगा, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो इसे फटाफट से, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या पूछा है कि जो बुलबुल है वो अपना घर घास से और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है पता करो। आपको पता करना है तो आप क्या बोलोगे? हमारा घर ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है? तो बुलबुल कीड़े मकोड़े फल सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है, मुझे रोटी चावल दूध दही पनीर फल इत्यादि पसंद है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, ठीक है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या लिखेंगे? पिताजी। अब आपको बताना है कि आपके पिताजी ऊंची आवाज में कब कब बोलते हैं? जब मैं कोई गलती करता हूँ। जब आप कोई गलती करते हो तो आपके पापा गुस्सा करते हैं ना, तो वही लिखना है। ओके, अब क्या दिया है? छोटी बहन। छोटी बहन का क्या? जब उसकी गुड़िया खो जाती है। फिर बड़े भैया, जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चला जाता हूँ। बड़े जब मैं पढ़ने के समय में खेलता हूँ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट और आप कर लेना, ठीक है? अब क्या दिया है? हमें पहचानो। क्या दिया है? हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो बच्चा मीठा मीठा गाना कौन गाता है जो काला होता है? कोयल। कौन सा पक्षी गाता है? कोयल। मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। तो बच्चा पार्टी यहाँ किसकी बात हो रही है? तोता की। किसकी? तोता। थर्ड क्या है? सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाव है, लंबे लंबे दांत है। तो बच्चा पार्टी यहाँ किसकी बात हो रही है? हाथी की। ठीक है, अब क्या दिया है नेक्स्ट? पढ़ो पढ़ो फटाफट, क्या दिया है नेक्स्ट? यहाँ दिया है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता है। तो बच्चा पार्टी यहाँ किसकी बात हो रही है? मोर की। ठीक है, घरों में आता हूँ सारी चीजें कुतर जाता हूँ। तो बच्चा पार्टी यहाँ चूहे की बात हो रही है, ठीक है, चूहा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या दिया है हमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कविता लिखो। बुलबुल या किसी भी पक्षी पर कविता लिखो, तुम अपनी सहेलियां या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे कविता लिखनी है अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मिलके। ओके, और बच्चा पार्टी हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है बच्चा लोग हिंदी क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9। क्या पढ़ा है? हिंदी क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है बुलबुल। इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। प्रीवियस चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहे।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक कोई डाउट हो चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, या फिर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको कोई किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड